एंड्री मैरी एम्पेयर एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रूप में संदर्भित किया था। एम्पेयर कई अन्य अनुप्रयोगों के आविष्कारक भी हैं, जैसे कि सोलेनॉइड, उनके द्वारा गढ़ा गया एक शब्द, और इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ। एम्पेयर फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य भी थे और इकोले पॉलिटेक्निक एवं कॉलेज डी फ्रांस में प्रोफेसर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट को मापने की SI यूनिट का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। विज्ञान में उनके योगदान के सम्मान पर उनका नाम एफिल टावर पर अंकित 72 नामों में से एक है। एंड्री मैरी एम्पेयर का जन्म 20 जनवरी 1775 को फ्रांस के एक समृद्ध व्यापारी जीन जैक्स एम्पेयर के घर हुआ था। जीन जैक्स एम्पेयर एंड्री मैरी एम्पेयर के पिता थे। एम्पेयर ने अपना बचपन और किशोरावस्था लियो के पास पॉलीमिक्स और मोंट डियोर में बिताया। दोस्तों, एम्पेयर के पिता रूसो, जो कि एक फिलोसोफर थे, उनके बहुत प्रशंसक थे, इसलिए रूसो के शिक्षा के सिद्धांत ही एम्पेयर की शिक्षा के आधार बने। रूसो का मानना था कि युवा लड़कों को औपचारिक शिक्षा से बचना चाहिए, इसके बजाय प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। रूसो के इसी विचार पर एम्पेयर के पिता ने उन्हें अपनी पुस्तकालय के भीतर खुद को स्वयं शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। अपने स्कूल के दौरान युवा एम्पेयर ने अपने लैटिन पाठों को फिर से शुरू किया, जिसने उन्हें लियोनहार्ड यूलर और डैनियल बर्नौली के कार्यों में महारत हासिल करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा एम्पेयर ने 12 साल की उम्र से ही एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसके आधार पर अपने बाद के जीवन में एम्पेयर ने कई बार यह दावा किया कि गणित और विज्ञान के अपने ज्ञान में प्रारंभिक शिक्षा का ज्यादा महत्व है। दोस्तों, एम्पेयर गणित और विज्ञान के साथ साथ इतिहास, यात्रा, कविता, दर्शन और प्राकृतिक विज्ञान में भी रुचि रखते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्पेयर रूसो के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा एम्पेयर की माता एक धर्मनिष्ठ महिला थी, जो एम्पेयर को ज्ञान विज्ञान के साथ साथ कैथोलिक रिलीजन की भी दीक्षा दिया करती थी। उनके युवावस्था के दौरान ही शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति के समय एम्पेयर के पिता को नई क्रांतिकारी सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा में बुलाया गया और सार्वजनिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया। 1792 में जब समानता की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे जैकबिन गुट द्वारा क्रांतिकारी सरकार का सत्ता पलट किया गया, तब एम्पेयर के पिता ने नए राजनीतिक ज्वार का बहुत विरोध किया, जिसके कारण 24 नवंबर 1793 को उन्हें जैकबिन पर्स के हिस्से के रूप में दोषी ठहराया गया और मृत्यु की सजा सुनाई गई। एम्पेयर के जीवन में वह समय एक बहुत दुख का समय था, जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। दुख के इस समय में भी एम्पेयर कभी नहीं रुके और निरंतर अपनी शिक्षा और रिसर्च में लगे रहे। 1796 में एम्पेयर की मुलाकात जूली कैरोन से हुई, जो कि लियो के पास ही रहने वाले एक लोहार की बेटी थी। दोनों ने 1799 में शादी की और शादी के कुछ समय बाद एम्पेयर ने एक गणित शिक्षक बनकर अपनी पहली नियमित नौकरी प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद 1802 में वे बोर्ग एन ब्रेसे के इकोले सेंट्रेल में भौतिकी और रसायन के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस दौरान उन्होंने गणित में अपना शोध जारी रखा और मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ गेम्स का निर्माण करते हुए गणितीय संभावना पर एक थेसिस लिखी, जिसे उन्होंने 1803 में पेरिस एकेडमी ऑफ साइंसेस में भी भेजा। 1803 में ही अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद एम्पेयर पेरिस चले गए, जहां उन्होंने 1804 में इकोले पॉलिटेक्निक में एक ट्यूशन पोस्ट शुरू किया। औपचारिक योग्यता की कमी के बावजूद एम्पेयर 1809 में इकोले पॉलिटेक्निक में ही गणित के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस स्कूल में पदों पर रहते हुए 1819 और 1820 में
एम्पेयर ने पेरिस विश्वविद्यालय में दर्शन यानी फिलोसॉफी और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में पाठ्यक्रम की पेशकश की और 1824 में उन्हें कॉलेज डी फ्रांस में प्रायोगिक भौतिकी में प्रतिष्ठित स्थान के लिए चुना गया। 1814 में एम्पेयर को एम्पीरियल इंस्टीट्यूट में गणितज्ञों की कक्षा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। एकेडमी के लिए अपने चुनाव तक के वर्षों के दौरान एम्पेयर वैज्ञानिक रिसर्च की एक विविध सरणी में लगे रहे, जिसमें पत्र लेखन, गणित, दर्शन से लेकर रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान तक के विषय शामिल थे। सितंबर 1820 में एम्पेयर के दोस्त और फ्रांसवा एरागो ने फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी के सदस्यों को डेनिश भौतिक विज्ञानी हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड की आश्चर्यजनक खोज, जिसमें एक चुंबकीय सुई इलेक्ट्रिक करंट द्वारा विक्षेपित होती है, प्रदर्शित किया। जब एम्पेयर को यह बात पता चला तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच संबंधों को समझने के लिए एक गणितीय और भौतिक सिद्धांत विकसित करना शुरू किया। हैंस क्रिश्चियन के प्रायोगिक कार्य को आगे बढ़ाते हुए एम्पेयर ने दिखाया कि विद्युत धारा को ले जाने वाली दो समानांतर तारें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या एक दूसरे को पीछे हटाती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि धाराएं समान या विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हों। इस प्रकार एम्पेयर के इस प्रयोग ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नींव रखी। उन्होंने इन प्रयोगात्मक परिणामों से फिजिकल लॉज को सामान्य बनाने में भी गणित लागू किया। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण वह सिद्धांत है जिसे एम्पेयर्स लॉ कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि दो करंट कैरिंग वायर के म्यूचुअल एक्शन एक दूसरे के लंबाई और उनकी धाराओं की तीव्रता के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होती हैं। एम्पेयर लॉ फ्रांस के ही एक और भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलाम के चुंबकीय क्रिया के बीच समानता को दर्शाती है। एम्पेयर ने विद्युत चुंबकीय संबंध की एक भौतिक समझ भी प्रदान की, जो एक इलेक्ट्रोडायनेमिक मॉलिक्यूल के अस्तित्व को प्रमाणित करता है और जो बिजली और चुंबक दोनों के घटक तत्व के रूप में कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय गति के इस भौतिक स्पष्टीकरण का उपयोग करते हुए एम्पेयर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमिना का एक भौतिक रूप विकसित किया, जो मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों रूप से अनुमानित था। 1827 में एम्पेयर ने अपने मैग्नम ओपस को प्रकाशित किया, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फेनोमिना, जो विशिष्ट रूप से अनुभव द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार 1827 में एंड्री मैरी एम्पेयर को रॉयल सोसाइटी का विदेशी सदस्य और 1828 में रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस का एक विदेशी सदस्य चुना गया। इसके कुछ वर्षों बाद 10 जून 1836 को 61 वर्ष की आयु में एंड्री मैरी एम्पेयर की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद 1881 में बिजली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आधुनिक विद्युत विज्ञान के निर्माण में कुलाम, वोल्ट, ओहम और वाट के साथ एम्पेयर को भी विद्युत माप की एक मानक इकाई के रूप में पूरे विश्व में स्थापित किया गया, जो एम्पेयर के समकालीन फ्रांस के चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलाम, इटली के एलेजेंड्रो वोल्टा, जर्मनी के जॉर्ज ओहम और स्कॉटलैंड के जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार एंड्री मैरी एम्पेयर का नाम एफिल टावर पर अंकित 72 नामों में से एक बन गया। इसके अलावा फ्रांस में कई वस्तुओं का नाम भी एम्पेयर के नाम पर रखा गया है। कई सड़कों, चौराहों, स्कूलों, लियों मेट्रो स्टेशन और नॉर्वे में एक इलेक्ट्रिक फेरी का नाम भी एम्पेयर के सम्मान में रखा गया है। आशा करता हूँ आपको यह बायोग्राफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले बायोग्राफी में, तब तक के लिए नमस्कार।